ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, यह कहावत चरितार्थ हुई। भोजपुर निवासी सौरभ के घर में इन दिनों सौरभ इसलिए चर्चा में है क्योंकि किस्मत इतनी मेहरबान थी कि वह रातों रात करोड़पति बन गए। हुआ यूं कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच भले ही भारतीय टीम के नसीब में हार हुई, लेकिन सौरभ की टीम जीत गई। जिले के चरपोखरी प्रखंड के ठकुरी गाँव के रहने वाले सौरभ कुमार ड्रीम 11 पर टीम बनाकर विजेता बने। अच्छी खासी रकम उनके खाते में आ गई तो परिवार रिश्तेदार किसी की खुशी का ठिकाना न रहा। ड्रीम 11 मोबाइल ऐप के जरिए सौरभ के खाते में 70 लाख रुपए आ गए तो मोबाइल पर क्रिकेट टीम बनाने को लेकर सबकी धारणाएं दूर हो गई। सौरभ पूरे भोजपुर में चर्चित हुए। ठकुरी गांव के वेंकटेश सिंह के पुत्र सौरभ कुमार ने बताया कि पिछले साल ड्रीम 11 पर टीम बनाकर वे जीत का प्रयास करते आ रहे थे। इसी बीच मंगलवार देर रात ड्रीम 11 पर सौरभ द्वारा बनाई गई टीम विजेता हो गई। सौरभ पूरे देश में ड्रीम 11 पर जीतकर 1 करोड़ के हकदार बन गए और इसके बाद से तो उनके पास बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सौरभ से जब ड्रीम 11 पर टीम को लेकर की बात की तो उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मिलाकर प्लेइंग 11 की उन्होंने अपनी टीम बनाई थी। इस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे जिन्होंने 30 गेंद पर 71 की शानदार पारी खेली थी। पांड्या की पारी का फायदा भारतीय टीम को तो नहीं मिला, लेकिन भोजपुर के सौरभ कुमार को जरूर मिला। सौरभ ने कहा कि अब आगे इसी तरह ऐप्स पर खेलना जारी रखेंगे। असल में प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट इन दिनों काफ़ी प्रचलित हो रहे हैं। मशहूर टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में भी टीवी शो के साथ ही आप मोबाइल के जरिए प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट मैचों के दौरान प्ले अलॉन्ग प्रतियोगिता के नाम पर ही इस तरह के ऐप्स हैं जो अच्छी रकम जीतने का अवसर देने का दावा करते हैं। तो दोस्तों आप भी इन ऐप्स को ट्राई करें। ऑल द बेस्ट। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय।